हल्की सी बारिश और कड़कड़ाती ठंड के बीच इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के बसना गांव के एक वनवासी बस्ती में हूं। ठंड का आलम क्या है आप देख रहे हैं कि बढ़के बढ़के नेता अपनी बढ़की बढ़की गाड़ी और बढ़के बढ़के घरों से निकल नहीं रहे हैं कहीं ठंड न लग जाए। जरा इन मासूम बच्चों की तस्वीर देखिएगा, इस छोटे से बच्चे की स्थिति देखिए, थोड़ा इसके कपड़े को निहारिएगा, आप देखिएगा किस तरीके से चौतरफा इसको ठंड सताती होगी। इन बच्चों के बहते हुए नाक को देखिएगा कि ये किस तरीके से ठंडी ने इन्हें जकड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर मैं इनके आवाज को दिखाऊं तो वो देखने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा। मेरे ठीक बगल आप ये मड़ई देख रहे हैं, मड़ई के ऊपर आप ये पन्नी देख रहे हैं। अब ये पन्नी भी टपकते हुए पानी को रोकने में असमर्थ है और इस पन्नी को छेदते हुए पानी नीचे गिर रहा है। ये लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, ठंड में कपकपा रहे हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। अभी हमारे देश में मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम मनाया हमारी सरकार ने और चौतरफा कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है दलितों शोषितों पीड़ितों और वंचितों की है, लेकिन दूसरी तरफ हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया, लेकिन ये देखिए अभी भी ये किस सिकंजे में जकड़े हुए लोग हैं कि इससे निकल नहीं पा रहे हैं। इन मासूम बच्चों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या कोई बड़के घर का कोई बड़के नेता का बेटवा इस तरीके का कपड़ा पहनकर इस ठंड में घूम रहा होगा? क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता का बेटा ऐसे कपड़ों में इस ठंड में घूम रहा होगा? ये कपकपाती हुई ठंड है और इस ठंड में इन बच्चों की तस्वीर और सूरत देखिएगा। दूसरी तरफ मैंने इनके आवास को दिखाया, मेरे ठीक बगल एक और आवास आप देखिएगा, उसके ऊपर भी मड़ई डालकर पन्नी डाला गया है लेकिन वो भी छेद होकर पानी टपक रहा है। इन बच्चों की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो किस स्थिति में जीने को इस वक्त मजबूर हैं। आगे आई जा, का नाम बा तोहार? हमारा नाम आजाद है। थोड़ा तेज बोले, का नाम बा? आजाद। आजाद, हाँ। तो आजाद कहाँ रहत है? बसना। बसना यही गांव में न? ये तोहार आवास हो भाई? हाँ सर। यही में रहत है? हाँ सर, इसी में रहता हूँ। तो रहे में दिक्कत होत बाटे को न? हाँ दिक्कत हो रहा है सर। क्या दिक्कत होत बा? आवास नहीं मिल रहा है सर। आवास नहीं मिलत बाटे? हाँ सर। तो ठंडी में परेशानी होत है? ठंडी में परेशानी हो रहा है सर। ठंडी में क्या परेशानी होता है? आप आ जाइए माता जी से हम लोग बातचीत करेंगे। माता जी, छोट छोट लड़कियाँ हैं, आप बताओ ये छोट छोट लड़कियाँ हैं यहाँ ठंडी में या मड़ई में कैसे रहती? इधर पानी भीजा रही थी, बुरा रही थी, काचत रही थी, बहावत रही थी, ठंडी में मर रहा है। तो लड़कियन के लगे देखा थे कपड़ा नहीं बाटे? कुछ नहीं बे, कपड़ा नहीं बे लड़कियन के लगे। हाँ। अगर सरकारी आवास होते तब का स्थिति रहती? झूरे रही आवास रहा होते। तब जैसे कि पानी बरसत बा तो पानी जब बरसत बा तो का तकलीफ होत बाटे? पानी छुआ तो बुजुर्ग यही तकलीफ बा, सरकार हमके कुछ आवास नहीं देते हैं। पानी छुअत बा तो पानी समस्या होत बाटे? हाँ। लड़कियों बीमार हो जाते हैं? लड़कियों बीमार हो जाते हैं। देखा सब लड़कियन के नाक बहत बाटे? कुल के नाक बहत आठ व्यवस्था सरकार देता ही नहीं है, मर रहा है गदेरन के लेके। ठंडी लागत बा लड़कियन के बहुत ज्यादा? ज्यादा लागत बा ठंडी लड़कियन के, ज्यादा लागत बा ठंडी, सुई हो तो दवा हो तो बाटे ही। प्रधान से नहीं कहूँ जोन बाटे की सरकारी आवास जोन बा दई दे लड़का परेशान है ठंडी में? प्रधान से नहीं कह सकते हैं कि लड़का परेशान है, जाड़ा पालम लाइक हम लुड़िया ना। कैसे रहते हैं लड़कियां यहाँ? का बोला है, जब मिलता ही नहीं तो का बोले? मिलत नहीं बाटे? हाँ। का दिक्कत होत बाटे यहाँ मड़ई में रहे से का समस्या होत बा? पानी चुआ था, पन्नी पैसा लिया, पैसा हो तो क्यों ना भेजता है कि इतना उतना भेज दे? पन्नी के पैसा नहीं बाटे? नहीं। यही भी नहीं, पुराना पन्नी हो? हाँ। यूं में से पानी गिरा था? हाँ। लड़के कैसे सब रहा थी ठंडी में? सर डुटरत रहा थे, न जड़ात रहा थे, न कुछ बटबो नहीं की है। प्रधान से नहीं कहूँ कि हमें सरकारी आवास दे दे, ठंडी बहुत पड़त बाटे, कैसे लड़कियाँ रही? कुछ कुल कहा थे देवे नहीं करते तब कोनो असर नहीं पड़त बाटे। एक बार मैं आपको इनके आवास को अंदर से दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इनके आवास को मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए किस हालत में ये इस वक्त रह रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अंदर आके आप इस स्थिति को दिखाइए।
ये देखिए, क्या कोई बड़का नेता का घर इस तरीके का हो सकता है क्या? जो बड़की बड़की गाड़ियों से उतरते हैं उन बड़के नेताओं को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि ये एक मड़ई है और इसी मड़ई में ये पूरे ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये छोटे छोटे तमाम बच्चे हैं और ये तमाम छोटे बच्चे इसी मड़ई में रहते हैं। और मड़ई में मैं थोड़ा सा अंदर से अगर आपको तस्वीर दिखवा पाऊँ तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे लोग बिछाते हैं और इस पियरे, ये पियरा है, पुआल भी जिसे हम लोग कहते हैं, इसी पियरा के ऊपर ये कुछ देखिए बुरिया बिस्तर रखा हुआ, इसी के ऊपर सो जाते हैं। यहाँ देखिए शायद यही खाना, ये देखिए चूल्हा भी यहाँ पे है, इसी चूल्हे पर खाना बनता है। और देखिए एकदम शीत जो है चौतरफा फैला हुआ है इस कमरे के अंदर और ये तमाम छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं। यहीं में रहा था? हाँ आके बोले तू बोल हाँ। किम में रहा था? अपने कॉलोनी में। अपने में रहा था? हाँ। तू कहाँ रहा था?